हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है अविघ्न फूड बुक में। फ्रेंड्स, जो रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ वो नाश्ते में, लंच में और डिनर में कभी भी आप खाइए, कभी भी ये फेल नहीं होती है और मोस्टली सभी को पसंद आती है। तो चलिए बनाने चलते हैं इसी फेमस रेसिपी को, आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलूओं को मैंने छील लिया था। अब इनको एक मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों के यूज़ से भी इसको मैश कर सकते हैं। हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, अदरक कसी हुई, इसे आप काट कर भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार। आटे में भी नमक डाला था ये याद रखना है, क्योंकि आलू के पराठे के आटे में भी नमक पड़ता है। टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है। धनिया था नहीं तो मैंने हरी धनिया को स्किप कर दिया है। अब इसका एक सारे मसालों को मिक्स करके एक अच्छी सी पीठी तैयार करेंगे। आटा मैंने पहले से ही गूंथ के रख दिया था। अब आटे से एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे, इसको इस तरह से आटे सूखे आटे में लपेट कर इस तरह से थोड़ा सा एक कटोरी शेप में बनाएंगे। अब इसमें हम जो हमने ये आलू की पिट्ठी तैयार की हुई थी इसको फिल कर देंगे और हल्के हाथों से इसको इस तरह से दबाते हुए फोल्ड करेंगे। दूसरी तरफ गैस पर मैंने पहले से ही तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये इस तरह से इसको हाथों की सहायता से हल्का सा चपटा करेंगे और सूखे आटे में लपेट कर हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, तेज़ बेलन नहीं मारना, नहीं तो पराठा फट जाएगा। जब तक पराठा बेल रहा है उधर तवा भी गर्म हो गया है। अब पराठे को उठाकर हल्का सा मैंने तवे पर घी लगा दिया है और इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम टू हाई रखना है और दोनों तरफ पलट कर इसमें घी लगाएंगे। आप चाहें तो जो आपको कुकिंग ऑयल पसंद हो उसे आप लगा सकते हैं। दोनों तरफ घी लगा के पराठे को सेक लेंगे। देखिए पराठा अच्छी तरह से फूल गया है। दोनों तरफ इसी तरह से सेकेंगे, अलट पलट करके सेकना है। पराठे को एक प्लेट में रख लेंगे, इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बेल के सेकेंगे। पराठे सिक चुके हैं, इनको प्लेट में सर्व करेंगे। गरम गरम आलू के पराठे तैयार हैं। इन्हें आप दही और अचार से सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यदि आपको ये आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एक नई रेसिपी के साथ आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें अविघ्न फूड बुक। बाय।